कई बार उसको ये वर्ड यूज किया जाता है अटैक, पर्सनल अटैक्स होते हैं, तो उसके बाद उन्हीं को वही क्वेश्चन को लेके मीडिया स्टार्स से क्वेश्चन करती है। कई बार वो बोलते हैं कि ये ऐसा सिर्फ एक शो है, उसमें ऐसी बातें हो रही हैं, बट डू यू थिंक इट्स राइट कि स्टार्स कितनी पर्सनल लाइफ को लेकर जो अब शो पे इतना कुछ हो जाता है उसके बाद इतनी न्यूज बनती है और मीडिया को बाद में बोला जाता है कि नहीं आप इस तरह क्वेश्चन मत पूछिए बिकॉज आपका काम मैं कर रहा हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए ना। वी आर हैप्पी बट स्टार्स लाइक वो हम लोग को जब क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं आपको थोड़ी बताएंगे, मुझे बताएंगे, इसलिए मेरा शो स्पेशल है ना। आई एम जस्ट आस्किंग हाउ यू टेक इट। मुझे बहुत पैसे मिलते हैं उन सवाल पूछने के लिए। मैं जरूर पूछूंगा मेरा क्या जाता है, और वो ना भी कह सकते हैं। और जिस तरह मैं पूछता हूँ, मैं कभी किसी स्टार को ऑफेंड नहीं करता, एक हंसी मजाक सा वातावरण हम क्रिएट करते हैं सेट पे। और मेरे कुछ पर्सनल रिश्ते ऐसे हैं कि जिस तरह मैंने कोई भी सवाल किसी भी सितारे से पूछा है, कभी उसे ऑफेंड नहीं किया, कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था जहां वो अनकंफर्टेबल हो। एक कैजुअल सा इररेवरेंट सा एटमॉस्फेयर बन जाता है सेट पे और हम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वो उनका रिश्ता मेरे साथ ऐसा है कि वो जवाब दे देते हैं। हर कोई अगर वो जवाब दे दे तो फिर मेरा शो कहां चलने वाला है। वो चलता है इसलिए यू लव द शो, आई लव यू and I love you all, and that brings us to the end of this press conference. Thank you very much for everyone, and really from our heart, on behalf of the entire team at Dharma, my CEO Apurva Mehta, the marketing team, everyone at Phantom, we thank everyone for making the time, Rohini and her team, thank you very very much. Vikram, one question. Vikram, yes, finally Vikram should talk. One question. Our last question to our loved